हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में रेस्ट रिमेनिंग जितने ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है उसको कवर करते हैं ठीक है तो देखते हैं सब मल्टीपल एंगल्स है ना तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हम हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे क्या था टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था ना अब इसका हाफ एंगल है ये देखो साइन टू थीटा का हाफ कितना होगा थीटा टू थीटा का हाफ कितना थीटा ना तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू वहाँ पे थीटा थीटा था, थिट्टा का हाफ कितना थीटा 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 ना, एंगल एंगल हाफ हो जाएगा इसमें, इसको सब मल्टीपल कहते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़े थे क्या? हम थीटा थीटा का इसको ठीक कर लेना मैं कर देता हूं टन टीटा बाई टू ठीक है उसके बाद

दो को यहाँ पे ले जाओ डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर को फिर ले जाना तो क्या होगा साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू प्लस और काम कॉस का। और फॉर्मुला में बोला था पिछले वीडियो में जो कि कॉस टू थीटा के फॉर्म में था ये हाफ एंगल फॉर्मुला है तो वन माइनस टेन स्क्टा हाफ हो जाएगा है, बस एंगल हाफ हो जाएगा टेन थी टू होन माइनस टेन पे नेगेटिव है में है तो साइन में होगा तो पॉजिटिव रहेगा बताया था अब देखते हैं वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट एंगल जब 3 है हो जाता A. A के to, 3 sin 4 sin है। इसको कैसे याद रखेंगे तो लिख लेना माइनस फोर मल्टीप्लाई करके साइन क्यूबे ठीक है थ्री फोर वन टू थ्री फोर ना थ्री के बाद फोर आता है बस नेगेटिव साइन लगाना और थ्री साइन है लिखना माइनस लिखना थ्री के बाद क्या आता है ना मतलब थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है ना क्यूब वाला चीज सामने आ जाएगा देखो कॉस थ्रीवल टू पहले टर्म कोस में लिख देना फोर कॉस क्यूब है माइनस रहेगा फिर थ्री कॉस है देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे साइन में बाद में आ रहा है फोर साइन क्यूब ए टाइप मतलब फंक्शन का क्यूब ए यहाँ पे क्यूब पहले मल्टीप्लाई करोगे फोरस थ्री कोस एन थ्री का वैल्यू देखो टेन थ्री टू थ्री टैन ए माइनस टेन क्यूब एड माइनस थ्री इसको कैसे याद रखें इसको याद रखना है तो पहले टेन थ्री ए को थ्री टैन ए लिख लेना माइनस लगा देना टेन क्यूब ए कर देना होल्ड बाई वन माइनस थ्री फिर से तीन मल्टीप्लाई करके टैंसर कर देना इसको क्या करना आप एक बार वीडियो देख लोगे ना बिना देखे एक बार देख के लिख लेना समझ लेना फिर नहीं देख के आप लिखोगे ना पक्का बोल रहा हूँ आपको याद रह जाएगा अगर याद भी नहीं रहता तो दो बार ट्राई करना तीन बार ट्राई करना आराम से याद रहेगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है आप अभी फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में जब आओगे तो ये सब बहुत मतलब यूज आपको काम आएंगे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन सब में इसमें ये सब चीज यूज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है हल्के में नहीं ले सकते आप ना ठीक है नेक्स्ट आएगा हमारा कोसाइन सीरीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिकी क्वेश्चन मतलब तो तो पावर एन माइनस वन ए का रिजल्ट है साइन एंगल के अंदर टू एन टू का पावर एन एलियड बाय टू का पावर एन साइन है ठीक है इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस टू का पावर वन ए इंटू

डोमेन और रेंज भी रहते हैं तो हम आज रेंज देख देते हैं ठीक है sin x और cos x का रेंज है -1 से 1 मतलब sin x और cos x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर ही ऑसिलेट करता है ये याद रखना ठीक है sec x और cosec x का वैल्यू मतलब रेंज माइनस इनफिनिटी से -1 ठीक है यूनियन और 1 से इनफिनिटी आपका ये करता है क्या ऑसिलेट करता है ओके तो मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया था लिखने में तो ठीक है फिर से मैं बता देता हूं साइन एक्स एंड कॉशेक्स का रेंज माइनस वन से वन क्लोज ब्रैकेट मतलब माइनस वन से वन के अंदर इसका वैल्यू ऑसिलेट करता है रेंज ऑसिलेट करता है ठीक है क्लोज ब्रैकेट यानी माइनस वन और वन दोनों इंक्लूड है माइनस वन से वन के अंदर जितने भी नंबर आएंगे डेसिमल आएंगे सब साइनस एंड कॉशेक्स का रेंज है ठीक है ऐसा और सेकेक्स एंड कॉसिक्स का रेंज माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन से क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओवर क्लोज ब्रैकेट वन से इंफिनिटी क्लोज ब्राकेट ओपन ब्रैकेट ठीक है ऐसा याद रखना मतलब ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि माइनस इन्फिनिटी अगर होगा तो आपको ओपन ब्रैकेट क्योंकि हम जानते नहीं ना कितना तक इन्फिनिटी का वैल्यू है इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है जितना भी वैल्यू है उसके लिए हमें ओपन ब्रैकेट यूज करना है इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं जिसकी पैरेंथिस नहीं होता ऐसा है ना उसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं ऐसा क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं बट ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप यूज कर रहे हैं ना ऐसा ऐसा वाला तो ये मतलब माइनस वन आपके इंटरवल के अंदर इंक्लूड है बट अगर आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज कर देता ना दैट मीन्स अगर मैं यूज करता ओपन ब्रैकेट मतलब वन एक्सक्लूड है वन आपके इंटरवल के अंदर नहीं है इंक्लूड ठीक है अगर आप क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट अगर करते हैं स्क्वायर का तो वो वैल्यू मतलब one आपका include है interval के अंदर आप समझ आप समझ गए होंगे अगर होगा तो वाला करेगा ठीक है टेन एक्स एंडक्स का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन से क्लोज पैरेंथिथिस ब्रैकेट ठीक है या आप इसको बोल सकते हैं इसका रेंज आर को बिलोंग करता है ठीक है इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ओपन से क्लोज यूनियन और वन से इनफिनिटी क्लोज से क्लोज ब्रैकेट ये क्या पैर में क्लोज ठीक है इसके अंदर इसका रेंज बिलोंग करता है अब देखते हैं साइंस एंड को स्क्र एक्स का रेंज कहा से कहा बिलोंग करता है इसका रेंज माइन जीरो से वन जीरो से वन क्लोज ब्रैकेट में बिलोंग करता है ठीक है सेक्स क्वेरेक्शन को सिक्स स्क्र एक्स क्या है नेगेटिव वैल्यू ने अब देखो फंक्शन क्या है स्क्वेयर में है दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू को हटा देगा जीरो से वन तक इसका रेंज क्या करेगा इसका इंटरवल जीरो से वन तक ही रहेगा ठीक है नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वेयर फंक्शन स्क्वायर में आ रहा है ना साइन स्क्वेयर एक्स को स्क्स आ रहा है तो इसका इंटरवल नेगेटिव नहीं रहेगा फिर पॉजिटिव ही आएगा सेक्स एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटरवल तुम्हारा वन से इन्फिनिटी रहेगा टेन स्क्र एक्शन स्क्र एक्स का इंटरवल आपका जीरो से इन्फिनिटी रहेगा ठीक है उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है कैसे ए साइन थीटा प्लस बी दे आ रहेगा उसका इंटरवल अगर पूछेगा आपको माइनस रूट टावर ऑफ ए स्क्र बी स्क्वायर लेसदन इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बीटा रूट टावर ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये होगा उसका मिनिमम वैल्यू ये होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू ठीक है ए साइन थीटा प्लस बी थीटा आपको दिया रहेगा ऐसा टाइप कुछ फंक्शन इसमें कुछ वैल्यू चेंजेस आपको करेगा एंगल एंगल, एंगल ना, A, B है ना ए बी का वैल्यू चेंज रहेगा ये ए सपोज ये फोर दिया होगा ये सपोज दिया होगा तो यहाँ क्या फोर प्लस फाइव रूट ओवर ऑफ माइनस मतलब ये b square square का होगा टू ए बी ये ए और बी आपको वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देना उसका मिनिमम कितना है वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगा ओके okay, तो नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ इसमें से एंट्रांस एग्जाम में भी आते हैं है ना जेई मेन्स वगैरह में आते हैं यूज होते हैं तो ये हल्के में नहीं ले सकते साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी इसका फॉर्मूलास टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर कॉस ए बी सी होता है ठीक है नेक्स्ट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू फोर कॉस ए बाई टू बी बाई टू कोस सी टू ये दोनों मैं आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं अगर साइन टू ए तो फोर मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना टू ए बाई टू टू ए का हाफ कितना A ना तीनों का प्रोडक्ट कर देना फोर मल्टीप्लाई कर देना इसको ऐसे याद रखो अगर साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी साइन सी हो तो क्या करोगे फोर मल्टीप्लाई करोगे बट कॉस में लिखोगे हाफ एंगल में कॉस ए बाय टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू ऐसे ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉस्टे को, कोश टू भी प्लस कोश टू सी का देखे अब यहाँ कौशे प्लस कॉस बी कौ सी होगा यहाँ पे कैसे होगा यहाँ पे नेगेटिव में, ने में आया यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा माइनस वन है बट यहाँ पे क्या लिखे कौश कॉस बी कौ सी लिखे कौशे का उल्टा फंक्शन क्या है साइन है साइन होगा ना बट साइन ए नहीं होगा आपको हाफ एंगल में लिखना पड़ेगा साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू सेमिलर जैसे आप इसको कर रहे थे इसको जैसे मैं बताया था ना सेम इसका भी ऐसी

फिर से बोल रहा हूं ए बी बी सी सी ए हाफ एंगल में अगर होगा तो इस टोटल का वैल्यू होगा वन ठीक है कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया होगा, इस प्रकार के फॉर्म में होगा तो उसका वैल्यू आराम से एक डाल देना लेकिन ये कंडीशन है ट्राइंगल का क्या होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री ना दैट मीन ए प्लस बी प्लस इज पाई ये कंडीशन यहां पे डालना पड़ेगा ठीक है वो प्रॉब्लम करने टाइम आपको पत, बता दूंगा कि कैसे करना क्या करना है ठीक है आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम रिमेनिंग जितने फॉर्मूला से ट्रिग्नोमेट्री के सारे खत्म कर देंगे ओके थैंक यू बाय बाय